press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाइक खान जी का, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। दो डिकेड के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका उनकी ट्रीटी और उनके बायलेटरल रिलेशंस जो है वो डैमेज और डेवेस्टेट होते चले जा रहे हैं और भारत की इकोनॉमी बूस्ट करती चली जा रही है। भारत की इकोनॉमी नीचे से आसमान पर छूती चली जा रही है। जो लोग पहले चाइना का प्रोडक्ट यूज करते थे पूरी दुनिया में, अब वो भारत का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिथीन हो, चाहे वो प्लास्टिक का बॉटल हो, चाहे वो कुछ भी हो, अब लोग चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब चाइना को ऐसा लग रहा है कि अब इस तरीके से बिजनेस टर्म्स के तरीके से तो हम भारत को हरा नहीं पाएंगे, तो चलो बांग्लादेश को प्रॉपर पाकिस्तान 2.0 बना करके हर वक्त भारत को हम परेशान करते रहेंगे। जैसे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के इलाके से हमें परेशान करता है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के इलाके से और आसाम के इलाके से हर वक्त बांग्लादेश हम लोगों को परेशान करेगा। और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हिंदूज को वहां पर अत्याचारित किया जा रहा है, वैसे वैसे हमारी आंखें रो रही है, हमारे दिल में तकलीफ हो रही है। तो मैं इन तरह अब छोटे में आपको यही बताऊंगी कि दिस इज द हाई टाइम कि शेख हसीना को अब लौटना चाहिए और भारत की आर्मी को अब बांग्लादेश में एंटर करना चाहिए, यूएन को इंटरवीन करना चाहिए और बांग्लादेश के राष्ट्रपति को एक गैजेट इशू करना चाहिए, ऑर्डर इशू करना चाहिए उस दिन तक कर्फ्यू का जब तक ये माहौल शांत ना हो, क्योंकि अब जमाते इस्लामी ने और हिजबुल जो अभी वहां पर नया नया और ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो इवेंचुअली जमाते इस्लामी और हिजबुल तहरीक जो है, क्योंकि वो स्प्रेड कर रहा है और अपनी चीजों को फैलाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जिन्होंने ये कहा था मीडिया के सामने आकर के और अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि आईपीएस ऑफिसर बांग्लादेश में वो नहीं होगा जो आईपीएस की पढ़ाई पढ़कर आया होगा, जो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जो पढ़ सकता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ सकता है, वो आईपीएस के चेयर पर बैठेगा। हमने कई पढ़ लेता है, हमने देखा था कि कई हिंदू प्रोफेसर्स हैं, कई हिंदू टीचर्स हैं, कई हिंदू चीफ सेक्रेटरीज हैं, कई हिंदू डिप्लोमेट्स हैं, जिसको तलवार की नोक पर वहां पर रिजाइन करवाया गया, रेजिग्नेशन डलवाया गया और उनके पास एक ऑप्शन दिया गया कि इधर आप इस्लाम कबूल कर लीजिए नॉर आप इसमें रिजाइन कर दीजिए। तो 90% हिंदू जो पद पर बैठे हुए थे, जो प्रोफाइल पर बैठे हुए थे, उन्होंने रिजाइन करना सही समझा 90% ने, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। ठीक है, अच्छा। अब राष्ट्रपति जब तक बांग्लादेश में बैठे हुए है तब तक ये शपथ का और ये संविधान का सिनेरियो लेकर चलना ही पड़ेगा मोहम्मद यूनुस को भी, और मोहम्मद यूनुस के पॉकेट में या जमात इस्लामी जो मोहम्मद यूनुस को पपेट बना करके पाल रहा है, हिजबुत तहरीक जो मोहम्मद यूनुस को पपेट बना करके पाल रहा है, ये एक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब राष्ट्रपति अगर रिजाइन कर देते हैं तो फिर से उन्होंने वो सीन क्रिएट किया है जो शेख हसीना को भगाने के लिए उन्होंने किया था, और उसी तरीके से राष्ट्रपति को भी रिजाइन करवाने के लिए वो सीन वो फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं कि एक बार अगर बांग्लादेश के राष्ट्रपति अगर रिजाइन कर देते हैं तो संविधान साइड में फेंक करके और पूरा हिजबुत तहरीक, पूरा शरिया कानून और पूरा जमाते इस्लामी जो है वो अपने इस्लाम के तरीके से कलमा पढ़ने वालों को पद पे बैठाएगा और हिजबुत तहरीक और भी खुल करके अपने जिहादी एक्टिविटीज को पूरा करेगा। अब आती है बात कि अब आप देखिए कि जब तक बांग्लादेश में राष्ट्रपति बैठे हुए हैं राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति भवन में जितने टाइम तक वो बैठे हुए हैं पद पर, तब तक अगर पाकिस्तान से कोई आता है
तो उसको वीजा का काम, उसको इंटरोगेशन का काम, उसका इन्वेस्टिगेशन का काम कि वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, तभी हम वीजा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक बार राष्ट्रपति अगर रिजाइन कर देते हैं, मोहम्मद यूनुस साहब साइन करेंगे, आइए सारे जैश मोहम्मद आ जाइए, लश्करे तैबा आ जाइए, हिजबुल मुजाहिदीन आ जाइए, हाफिज सईद के लोग आ जाइए, दाऊद इब्राहिम के लोग आ जाइए, तो ये बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। इवन बांग्लादेश से हमारे भारत में लोगों को भेजना भी बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, बहुत भारत को मतलब हो थ्रेट जाएगा। है इस चीज का? हाँ डेफिनेटली थ्रेट है, हाँ डेफिनेटली थ्रेट है। अच्छा देखिए, 2019 6 अप्रैल को शेख हसीना के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बांग्लादेश ने आइडेंटिफाई किया था 15 स्पीकर को, और उस 15 स्पीकर को उन्होंने अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को शेख हसीना की सरकार ने भेजा था कि इन मुल्लाओं को आइडेंटिफाई कीजिए जो जो है बांग्लादेशी, लेकिन काम जो है वो पाकिस्तान और चाइना के लिए कर रहे हैं पैसा लेकर के, और कहीं ना कहीं हिजबुत तहरीक को और जमात इस्लामी को एक्टिव करवा रहे हैं बांग्लादेश को खत्म करने के लिए। ये उनका एक लिस्ट भी इशू हुआ था, ये उनकी एक तस्वीर भी चर्चाएं आम पर आई थी बांग्लादेश में। ठीक है, ये वो मौलवी मुल्ला है जिनके बारे में 6 अप्रैल 2019 को ही शेख हसीना की सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बांग्लादेश के विंग को भेज दिया था कि इनके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट किया जाए। जी ठीक है, इसमें से ये वाला जो मौलाना है इसको देखना बहुत जरूरी है, ये बीच वाला जो मौलाना है। ठीक है, ये बहुत सारे नात और खरात बांग्लादेश में करता थोड़ा है। और क्लोज करें, मेरी ऑडियंस भी देख ले, थोड़ा कैमरे की और क्लोज करें। हाँ, अब ठीक है, ये समझ जो गई। मौलाना है इसको लोग शायद शक्ल से नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं जब इसकी तरीका इसका तरीका बताऊंगी तो सारे लोग पहचान लेंगे। ये नात और खरात करता है, इसका प्रोफेशन दिखावे का जो है वो नात और खरात का है, वो खरात ऐसे करता है, माशा अल्लाह माशा अल्लाह हो, इस तरीके से नात और खरात करता है। ठीक है, ये इसका एक जैसे सबका सिग्नेचर होता है, जैसे मैं बहुत फायरी स्पीच देती हूँ, दिस इज माय सिग्नेचर, दिस इज माय आइडेंटिफिकेशन। अगर मैं कभी बहुत नॉर्मल बात करती हूँ तो लोग सोचते हैं नाजिया बीमार है क्या, नाजिया को कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, नाजिया बहुत फायरी बोलती है ना, नाजिया इज नॉर्मल, नाजिया का यही, क्योंकि नाजिया का यही सिग्नेचर ऑफ टॉकिंग है, नाजिया का यही सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि नाजिया इज अ वेरी फायरी स्पीकर। तो इस मौलाना का यही तरीका है और लोग इसको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखवाने वाली हूँ जो आपके पाकिस्तान में बैठा है आपका स्टेट गेस्ट बनकर, जिसका बहुत बड़ा हाथ है। बांग्लादेश में जो शेख हसीना को भगाया गया, या बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ, हालांकि एक नई चीज सामने आई है कि शेख हसीना का रेजिग्नेशन कहीं पर मिल नहीं रहा है। शेख अब डाउट ये भी है यही कि तो शेख दंगे हसीना भड़कने की मेन वजह है। कि शेख हसीना ने रिजाइन किया भी था, या सिर्फ वो ऐसे ही उठ करके चली आई थी। ये इंटरिम सरकार कैसे बनी है, जब तक पूर्व पूर्व भी नहीं कहेंगे, अब तो पूर्व पूर्व भी नहीं कहेंगे, जब तक शेख हसीना के रेजिग्नेशन को अप्रूव्ड नहीं किया गया, जब तक शेख हसीना के रेजिग्नेशन को न्यूज में नहीं दिखाया गया, जब तक शेख हसीना के का रेजिग्नेशन गूगल साइट पर नहीं चढ़ा, जब तक शेख हसीना के रेजिग्नेशन को पूरी दुनिया ने नहीं देखा, तो इंटरिम सरकार बनी तो बनी कैसे। अब आती है बात एक हिडन ट्रूथ की, ये है बीच में जाकिर नायक और उनके बगल में है सलमान फजलुल रहमान। ठीक होगा। पाकिस्तान आने से पहले ये गुप्त मीटिंग जाकिर नायक ने बांग्लादेश में ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या किया था, क्या किया था? पाकिस्तान आने से पहले जाकिर नायक बांग्लादेश क्यों गया था कॉन्फ्लिक्ट के बीच में? पाकिस्तान आने से पहले जाकिर नायक बांग्लादेश पहुंचने के बाद 80 करोड़ रुपए लेकर कहां गया है? क्या पाकिस्तान गया है बांग्लादेश से? और ये 80 करोड़ रुपए से ही वो पाकिस्तान में इतने सारे मजलिस और मजमा कर रहा है, इतने सारे जलसे और जुलूस कर रहा है, क्या मलेशिया अब दोबारा रिटर्न कभी नहीं जाएगा? क्या मेरी कही भी स्टेटमेंट जो पहली बार मैंने कहा था कि मलेशिया उसको लात मार के भगा चुका है, अब वो दोबारा मलेशिया कभी नहीं जाएगा? क्या पाकिस्तान ने अपने भिकमंगे हालात में जाकिर नायक को इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि जाकिर नायक ने बांग्लादेश से 80 करोड़ रुपए उठा करके बांग्लादेश
पाकिस्तान को मदद के तौर पर दिया है। नहीं, तो ये तो 28 अक्टूबर को पता चल जाएगा ना, क्योंकि उनका ड्यूरेशन हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं, 28 अक्टूबर तक का ही है। मैं पाकिस्तान की सरकार पर, पाकिस्तान की आर्मी पर रत्ती बराबर भी यकीन इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बरसों बरस पाकिस्तान की सरकार ने ओसामा बिन लादेन को पाला और पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन है, वॉशिंगटन प्रेस क्लब है, व्हाइट हाउस प्रेस क्लब है और इंटरनेशनल कोर्ट ये पूछता रहा था कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है क्या, और वो कहता था नहीं है। लेकिन बाद में अमेरिका ने निकाला ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के ही तहखाने से। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। मैं बार बार कह रही हूं, 1 अक्टूबर से मैं एक बात की रट लगाई हुई हूं कि जाकिर नायक को ये दिखाया जरूर जाएगा कि वो 28 अक्टूबर को पाकिस्तान से चला गया है, लेकिन वो पाकिस्तान के तहखाने में ही रहेगा। और हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी 28 अक्टूबर आने में कितना ही समय है, 2 ही दिन का तो समय है, 2 ही दिन का तो समय बाद के। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। ढाका नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल से बांग्लादेश में छोटा शकील के मेंबर और कुछ पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद के मेंबर अरेस्ट हुए थे 2007 में, और उसके बाद 2011 में भी। क्यों अरेस्ट हुए थे? इंडियन फेक करेंसी नोट छाप रहे थे और शेख हसीना की सरकार ने उनको धर दबोचा था। तो पाकिस्तान और छोटा शकील मिल करके इंडियन करेंसी नोट क्यों छाप रहा था? अभी 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 बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। क्यों छाप रहा था? क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान की सरकार और छोटा शकील का? दाऊद इब्राहिम का तो भाई चेला ही रहा है, सबको पता है छोटा शकील। क्यों छापता है आप, क्यों छापते हैं ये लोग इंडियन करेंसी? क्या बात है। अब तुरुपका इक्का खुलता है, उसके बाद मैं आपके चाइना के टॉपिक पर जाऊंगी। अब तुरुपका इक्का खुलता है, और एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। अगर मेरी मौत होती है ना, मेरा कोई मर्डर करता है, तो डेफिनेटली कोई मेरे आसपास का इंसान होगा, क्योंकि उसको मेरे मूवमेंट के बारे में पता होगा। तो कोई आपको ऐसे नहीं मार देता है, कोई मारने के लिए ना कोई अपना एक आस्तीन का सांप बनता है। तो क्या भारत में कोई आस्तीन का सांप है? क्या भारत में कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो भारत का बुरा करने के लिए और अपने आप को सत्ता पर बैठाने के लिए इतना बावला हो चुका है, इतना उत्तेजित हो चुका है कि वो भारत देश का बुरा करने के लिए उन लोगों से मुलाकात कर रहा है जो भारत के विरोध में हमेशा से रहे हैं? अब एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और फिर मैं उसका डिटेल आपको दूंगी। अब मैं लेकर आ रही हूँ आस्तीन का सांप जो भारत में बैठा। कौन है ये? एक को तो शायद दुनिया पहचान रही होगी, दूसरे का इंट्रोडक्शन मैं दूंगी। कौन है ये? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मैं नहीं पहचान पा रही। ये कौन है? ये तो राहुल गांधी है। इसके साथ कौन है? ये नहीं पहचान रही। आप नाम बोल दे, कौन है ये? ये है मुशफिकुल फजल अंसारी, खालिदा जिया का पॉकेट दलाल और जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा व्यक्ति और हिजबुत तहरीक का को चलाने में पैसा लाने वाला एक बहुत बड़ा मेंबर। अब इसका मैं डिटेल आपको देती हूँ। मुशफिकुल फजल अंसारी एक डीप कॉन्स्पिरेसी आज से नहीं, तकरीबन 2007 से ये कर रहा था शेख हसीना की सरकार के विरोध में। और कौन है ये मुशफिकुल फजल अंसारी? खालिदा जिया की जब सरकार हुआ करती थी, और खालिदा जिया जब डिप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म ऑफ खालिदा जिया गवर्नमेंट था, तो तब इसकी दोस्ती राहुल गांधी से हुई थी, जो खालिदा जिया ने करवाया था। अब खालिदा जिया हमेशा चाहती थी कि शेख हसीना हटे और वो सरकार पर फिर से बैठे, और खालिदा जिया ने ही जमात इस्लामी को प्रोवोक किया था, और खालिदा जिया ने ही वो छात्र आंदोलन स्टार्ट करवाया था। लेकिन अचानक से खालिदा जिया गायब हो गई,
हालांकि खालिदा जिया को जेल से भी बरी करवा दिया गया, खालिदा जिया हॉस्पिटलाइज भी हुई, खालिदा जिया को पार्लर से मेकअप करवा करके उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाया गया, लेकिन अचानक से हिजबुत तहरीक और जमात इस्लामी को लगा कि शी इज अ वेरी वोकल वुमेन, शी इज अ वेरी पावरफुल वुमेन, अगर ये जमात इस्लामी और हिजबुत तहरीक को पाल सकती है तो बर्बाद भी कर सकती है। और हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम पुरुष पावरफुल वुमेन से हमेशा बहुत भयभीत रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं, इसलिए उन्होंने मोहम्मद यूनुस को पकड़ा और उसको पपेट बना करके इंटरिम सरकार का सरकार वजीर आजम बनवा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर नाजिया खान जी ने कैसे भारत के विरोधियों को एक्सपोज किया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।